कहते हैं जो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व तो मजबूत हो किसी से कुछ भी मांगा जा सकता है, लेकिन पुरखीरी की 12 नगर निकाय सीटों में एकमात्र सपा सीट से विजयी खीरी नगर पंचायत प्रत्याशी उस्मा बी ने जनता से सहयोग करने को कहा तो जनता ने भी भरपूर सहयोग किया। इस प्रकार खीरी नगर पंचायत सीट पर गैर सत्ता पार्टी सपा प्रत्याशी उस्मा बी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इस बात को सच साबित किया। नगर पंचायत खीरी की सपा प्रत्याशी उस्मा बी ने नगर निकाय चुनाव में सत्ता दल प्रत्याशी व अन्य को पछाड़कर जीत दर्ज कराकर एक मिसाल कायम की। उस्मा बी के पति व प्रतिनिधि फहीम अहमद ने बताया, पिछले 5 वर्ष पूर्व वो नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके, लेकिन कुछ कारणवश पिछले पंचवर्षीय काल में वो नहीं जीत सके, जिसके बाद जनता ने इस बार उनकी पत्नी को फिर से जीत का ताज पहनाकर सेवा करने का मौका दिया। दैनिक भास्कर डिजिटल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मा बी के पति और प्रतिनिधि ने कही ये खास बातें। लखीमपुर खीरी की 4 नगर पालिका व 8 नगर पंचायत समेत कुल 12 नगर निकाय सीटों पर हुए इलेक्शन का नतीजा घोषित हो चुका है, जिसमें खीरी नगर पंचायत सीट का चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा है। इसका एक कारण ये भी कहा जा रहा है कि जो सपा पार्टी के एक कैंडिडेट जो खीरी सीट से विजयी घोषित हुए हैं, इन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि कभी भी कोई चुनाव पार्टी विशेष नहीं होता है। अगर यदि प्रत्याशी का अपना व्यक्तित्व मजबूत है फिर पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। हमारे साथ खीरी के जीते हुए प्रत्याशी, नगर पंचायत खीरी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो कि अब विजेता हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए, चैनल के माध्यम से बताइए कि आप जनता से क्या कहना चाहते हैं और ये इलेक्शन का अनुभव कैसा रहा आपके साथ। पहले तो मैं बता दूं कि जो इस वक्त जो यहाँ पे प्रत्याशी जीती है उनका भी मैं उनका पति हूँ। मैं पूर्व चेयरमैन, इससे पहले मैं चेयरमैन रहा हूँ। मेरा नाम फहीम अहमद है। मैं इस कस्बे के लिए जो मैं 12 से 17 तक चुनाव चेयरमैन पद पर रहा, इस कस्बे में जो भी विकास हुआ है, आज की तारीख में जितना भी विकास कस्बे के अंदर दिखाई दे रहा है वो सब कुछ हमारे ही कार्यकाल का कराया हुआ विकास ही है। इसके बाद ये जो दोबारा मुझको, मेरी पत्नी को, उस्मा बी को जो आज इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है, इनको जबरन हरा दिया गया था 50 वोटों से पिछली बार। जो सत्ता की चेयरमैन बैठी तो उन्होंने एक रुपए का कोई ऐसा विकास नहीं किया कि जिससे जनता का निजी तौर पर फायदा होता। जल भराव की समस्या उतनी रही और तमाम विकास कार्य उसी जगह पे ठहर गए जो जहाँ पे ठहर छोड़ के आए थे। हम जनता से यही आपसे चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं, जनता ने हम पर विश्वास किया है, हमारी पत्नी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पर विश्वास किया है। सदैव 5 साल तक जनता के हित के ही काम किए जाएंगे और जनता के हित में जितने बेहतर से बेहतर काम होंगे, सड़क है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इनके ऊपर विशेष ध्यान देके इनको काम जल्द से जल्द चालू कराया जाएगा, जो काम बिल्कुल बुरी तरीके रुके हुए हैं। ये मेरे जनता से अपील है। सबसे पहला काम आपका कौन सा रहेगा क्षेत्र में उतर कर, किस काम को आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले उस काम को प्राथमिकता देंगे जो कस्बे के अंदर जल भराव की समस्या है, जहाँ जहाँ आ रही है उनको तत्काल प्रभाव से जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। और कस्बे के अंदर जो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर जो वहाँ की जो व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरीके से मेरे हटने के बाद, उन डॉक्टरों को और उस चीज़ को हम पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए बहुत जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि जिससे आम जनता को अच्छी सुविधा और उनको इलाज मिल सके। क्या योजना आपने बनाई है जल निकासी की समस्या को, निजात जो जल भरा हो रहा है, क्या उसके लिए योजना बनाई है? इससे पहले जब हम थे तो हमने कस्बे के अंदर लगभग 60% से अधिक बड़े बड़े नाले जो हमने बनवाए जो कस्बे के बाहर पानी निकालते हैं, और जो रह गए हैं कस्बे के वो बड़े नाले, उनको हम प्रयास करके जल्द से जल्द नालों का टेंडर करके नाले बनाए जिससे पानी की जल भराई और जो जल भराव हो रहा है वहाँ कस्बे के बाहर निकाला जा सके। ये पहला हमारा मसला रहेगा कस्बे के लिए। नतीजे आने से पहले कितना आश्वस्त थे, आपको लग रहा था कि आपकी सीट निकल जाएगी? जनता ने तो हमें पूरा 100% विश्वास में ले लिया था कि जनता ही हमारा चुनाव लड़ रही थी, जनता ही चुनाव के नतीजे जनता के हित में ही आए। जनता हमारे साथ थी, जनता आज भी हमारे साथ है कि जहाँ पे चुनाव होता है जात बिरादरी का, इस हट के चुनाव हुआ है, हमको जनता ने सिर्फ विकास के रूप में देखा है और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव हमको हमारी पत्नी को जिताया है। जैसा आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, क्या आपको लगता है कोई इस प्रकार की बाधा तो नहीं आएगी? नहीं, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं,
हमें पूरा विश्वास है जो जनता के जितने भी चेयरमैन का पूरे प्रदेश में जीते हैं वो पार्टी से हो या निर्दलीय हो या सत्ता की पार्टी से हो, सभी लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार होगा, सबको बढ़िया ग्रांट मिलेगी जैसे पिछली बार उन्होंने दिया है। हमें पूरा यकीन है हर चेयरमैन को पूरा सम्मान और विकास के लिए जो योजनाएं होंगी यहाँ से जाएंगी उनका पूरा पालन किया जाएगा। जी हम पर हमें हमारी जनता को विश्वास है, कोई हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, इस प्यार और सम्मान के लिए जनता का बार बार हम शुक्रिया अदा करेंगे। और जैसे जनता ने पर विश्वास जताया है हम फिर जनता से वादा करते हैं कि 5 साल तक उन्हीं का राज चलेगा, उन्हीं के काम होंगे। इसी मसले को लेकर हम जनता का बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से अदा करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे जो फहीम अहमद जी हैं, जो कि नगर पालिका अध्यक्षा उज़्मा बी के पति हैं और पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, साथ में सहयोग करके अपने जो पंचायत जो क्षेत्र है उसका विकास करेंगे। और जैसा कि एक बार इससे पहले भी आप 5 साल के लिए नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं लेकिन बीच में आप नहीं रह पाए थे किसी कारणवश, लेकिन जनता को इस बात का एहसास हुआ और 5 साल के बाद फिर से जनता ने इनको मौका दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।